हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है क्लास 11th में, तो वहाँ पर एक दो चीज़ें अब तक आपको पता चल गई होगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जर्नल एंट्री होता है, जिसमें डबल जर्नल एंट्री हम करते हैं। एक चीज़ को डेबिट करते हैं, दूसरी चीज़ को क्रेडिट करते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स शुरू में काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस चीज़ को डेबिट करें, किस चीज़ को क्रेडिट करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपका अकाउंटेंसी में ना मेन आपका जर्नल एंट्री। अगर आपने जर्नल एंट्री सीख लिया ना, तो उसके बाद फर्दर लेजर बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब कुछ आप कर लोगे। मेन अगर आपकी जर्नल एंट्री ही खराब है, तो इसका मतलब आप फर्दर और सारी चीज़ें नहीं बना सकते, क्योंकि आपका मेन पॉइंट होता है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या करना होता है, जर्नल एंट्री करनी होती है। लेकिन इससे पहले कि आप जानो डेबिट और क्रेडिट के नियम, यहाँ पर आपको कुछ तीन पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो आपके अकाउंट्स जो होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले जब आप इस चीज़ को जान जाओगे ना, उसके बाद सिर्फ तीन रूल और बस आपको डेबिट और क्रेडिट का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में हम किसमें किसी पर्सन को इंक्लूड करते हैं, लाइक कोई इंटरप्राइजेज हो गया, कोई कंपनीज हो गई, या फिर कोई पर्सन जिससे हमने डायरेक्टली कोई चीज़ खरीदा है या फिर बेचा है, तो वो सारे के सारे जो अकाउंट्स होंगे वो पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। सपोज करो कि राहुल एंड सन्स कोई कंपनी है, उससे हमें क्या है, सपने जितने भी हमारे पास गुड्स है उसको सेल करना है। तो हम उसके साथ जब ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ऑफकोर्स हम अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए जो अकाउंट बनेगा उसको हम स्पेशल नाम रखेंगे, राहुल एंड सन्स अकाउंट, और उसका नाम क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। उस तरीके से कोई मोहन नाम का पर्सन हो सकता है, मोहन अकाउंट, HDFC लिमिटेड अकाउंट, बैंक। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट में आपका आ जाएगा कैश हो गया, गुड्स हो गए, फर्नीचर हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, बिल्डिंग, मतलब ये रियल अकाउंट वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिस पर आपका कंट्रोल है और जो आपका खुद का है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ रखनी है, क्योंकि जब आपको अकाउंट में पता होगा ना कि कौन से, क्योंकि जो आपके रूल्स हैं वो भी इन्हीं से निकल कर आएंगे। अब नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, या फिर एक्स्ट्रा हमें कहीं से इनकम मिल जाती है, जैसे आपका इंटरेस्ट मिल गया, हमें कमीशन मिल गया, या फिर हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कोई भी कंपनी बिजनेस शुरू करोगे आपको सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो उसका रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट हो गए। रियल अकाउंट में कैश, गुड्स, फर्नीचर, कॉपीराइट, सारे असेट्स आ गए। पर्सनल अकाउंट में जो भी आपके डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, जिसको आपने उधार दिया है, जिससे आपको उधार लेना है, एंड ऑल, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं आपके कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या रूल्स हैं आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी रिसीव, जिस चीज, मतलब कि जिस पर्सन ने रिसीव किया, जो रिसीवर है उसको तो हमें क्या करना होता है, डेबिट, जबकि गिवर, जो देने वाला इंसान होता है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये आपको ये तीनों लाइनें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट के बारे में बात करें, लाइक आपका वो जो आपका हो गया कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, सारे के सारे, तो इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसको तो आप कीजिए डेबिट, और जो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको आप कीजिए क्रेडिट। तो जैसे आपका कैश है, अगर आपने कोई चीज़, मतलब पर्टिकुलर कुछ सेल किया है, तो आपके पास क्या होगा, कैश आएगा, तो उस टाइम पे आप कैश को डेबिट करोगे, जबकि अगर आपने कोई चीज़ खरीदा है तो उस टाइम पे आपका कैश जाएगा, तो उस टाइम पे उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और लॉसेज हो रहे हैं उसको तो आपको करना है डेबिट, और जितने भी आपके इनकम और गेंस हो रहे हैं उसको आपको करना है क्रेडिट। तो ये तीन के तीन रूल आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड थर्ड इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो ये सारी की सारी तीनों पॉइंट्स अच्छी तरीके से ना अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कहीं पर भी, और वैसे तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन में, तो अपने आप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन भी लाया है, सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं, कितनी ब्यूटीफुली तरीके से। अगर आप एक आध रूल्स कहीं पर लगभग भूल भी जाओ ना, तो दूसरा रूल वहाँ पे काम कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है डबल एंट्री में, कि सपोज़ करो कि आपको, क्योंकि हमेशा डबल एंट्री होता है, तो एक चीज़ जाएगी, एक चीज़ अगर आपको दूसरे के बारे में पता है, तो भी आप जर्नल एंट्री बहुत ईजिली करोगे, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटेंसी में। तो बात करते हैं, और इतना टफ भी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी, अगर आप करोगे ना,
बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा, आपको ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा, मिस्टर एक्स स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑन दिस रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मिस्टर कोई एक्स है जिसने बिजनेस को शुरू किया इस तारीख को, और वहाँ पर इनके कुछ फॉलोइंग डाटा है जो उन्होंने दिया है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश, कैश लगाया कैपिटल के रूप में 2,00,000 रुपये का। उसके बाद परचेज किया कैश से 40,000। उसके बाद क्रेडिट पे उधारी परचेज करा मिस्टर बाई से 55,000 के। फिर फ्रेट चार्जेस पे करना पड़ा, तो फ्रेट चार्जेस आपके वो चार्जेस होते हैं जिस तरीके से आपने कोई चीज़ खरीदा है, तो ढुलाई का जो खर्चा होता है जैसे आपने जिस भी कंपनी से खरीदा है उसको अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र करने के बीच में जो चार्जेस लगते हैं वो आपके फ्रेट चार्जेस हो जाते हैं, इतने रुपए का हो गया। फिर आपने गुड्स सोल्ड किया अपने मिस्टर पी को, क्रेडिट पे किया मतलब उधारी बेचा 35,000 के, कैश में बेचा 28,000 का। फिर आपने फर्नीचर खरीदा 14,000 का, आपको इंटरेस्ट मिला 11,000। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो इन्होंने बता दी कि सारा डाटा है। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले आप क्या क्या है कि इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश, कैपिटल उन्होंने लगाया कैसे कैश में। बाकी मैंने आपको बताया था कैपिटल वो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, हो सकता है कि अपने घर से फर्नीचर लाएं उसको लगा दे कैपिटल में, बट यहाँ पर कैश में क्योंकि, तो आप यहाँ पे ना सिर्फ इतनी सी बात रखिए कि कैश आपका किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, और यहाँ पर कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है ना, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, जो टू में लिखते हैं वो आपका क्रेडिट वाला शो करता है, और ऊपर सबसे ऊपर आप डेबिट साइड को ही दिखोगे तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है 2,00,000 रुपीज़ से, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा इस तरीके से ही शो अप करना है सब कुछ। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, परचेज किया था गुड्स को किस तरीके से, कैश में 40,000 का। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, जब आपने कोई चीज़ परचेज किया है तो आपके पास कैश आएगा या कैश जाएगा, ऑफ कोर्स ना कैश चला जाएगा आपके बिजनेस से, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, जबकि कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 40,000। ऑफ कोर्स दोनों जगह अमाउंट आपके सेम ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उन्होंने परचेज किया था मिस्टर वाई से क्रेडिट पे। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब उसने कैश में खरीदा है तब तो हमने क्रेडिट किया था कैश को, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वाई से पर्टिकुलर चीज़ खरीदी गई है तो इस वजह से हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। और वैसे भी रूल भी हमारे पास यही था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला बिजनेस को किसने कुछ दिया है, मिस्टर वाई ने दिया है ना, ऑफकोर्स गुड्स हमें दिया, तो इसलिए उनको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और परचेज हमारी बढ़ी है तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, दोनों अमाउंट 55,000। जो भी आपके क्वेश्चन ने दिखे मैंने उस चीज़ को आपको डालना है। अब यहाँ पे फ्रेट जो चार्जेस हुआ था, तो ये क्या आपका एक तरीके के एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंस के साथ हम क्या कर रहे थे कि जितने भी एक्सपेंसेस है उसको तो हम डेबिट करते हैं, जबकि जितने भी इनकम है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेट अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश क्योंकि गया है, तो आपका कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली एंट्री में, जब इन्होंने सेल किया था मिस्टर पी को उधारी पे, क्रेडिट पे जब किया था, तो यहाँ पर देखिए रिसीव करने वाला कौन है, हमने अपना सामान बेचा, यहाँ पर मिस्टर पी रिसीवर है, गिवर नहीं है। अभी मिस्टर वाई के हमने बारे में पढ़ा था, उन्होंने हमें अपना सामान बेचा था तो इसलिए वो गिवर थे, लेकिन ये क्या है, मतलब वो अपने हमारी सामान को ले रहे हैं तो वो रिसीवर हुए, तो इसी वजह से हम उनको कर रहे हैं डेबिट, और सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो यहाँ पर से आप देख लीजिए कि मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपको करना है एंट्री। आपको ना धीरे धीरे चीज़ें ना क्लियर होने लगेंगी जिस तरीके से आप आगे बढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम उसी तरीके से चलते हैं, उन्होंने सेल किया था कैश में। अब जब कैश में उन्होंने सेल किया था, ऑफकोर्स कैश तो आपके पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स को तो वैसे भी आपको हमेशा क्रेडिट ही करना है, और अगर आपने कैश में बेचा है तो डेबिट कर दीजिए कैश को, अगर आपने उधारी में बेचा है तो जिस पर्सन को किया है उसका नाम वहाँ पर मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर था हमारा कि फर्नीचर उन्होंने खरीदा था 14,000 का। अब वहाँ पे क्वेश्चन में हमें यूँ नहीं दिया कि उन्होंने कैश में खरीदा या फिर बैंक में, तो यहाँ पर आपकी प्योर मर्जी चलेगी कि आपका जो मन करे उसमें डाल सकते हो। बाकी फर्नीचर हमारे पास आ गया, ये बात हमें पता चल गई, फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर हो गया डेबिट, कैश चला गया तो इस वजह से हो गया क्रेडिट टू कैश और बैंक अकाउंट 14,000 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट हमें मिला था। अब देखिए इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑफकोर्स हमारे पास कैश आएगा या फिर बैंक आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मेंशन करेंगे कि चेक से मिला है तो बैंक डाल दीजिए, नहीं मेंशन किया तो कैश डाल दीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का आपका क्या, एक तरीके का इनकम है, और जितने भी इनकम है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले आपको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना है कि आपके पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो आपके तीन गोल्डन रूल है
कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको डेबिट कीजिए, जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए, जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कीजिए, जबकि जितने भी आपके इनकम्स है उसको क्रेडिट कीजिए. आई होप कि मैंने 3 से 4 बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, और एक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया. और ये देखिए ना, आपके फर्स्ट टर्म हो गया, फाइनल टर्म हो गया, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे क्लास 11 जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये इसका बेसिक है. और कई बार तो बहुत सारी सारी एंट्रियाँ होती हैं जो कि आपको फर्दर करना होता है, फिर अलग अलग से सबके अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, लेज़र बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, सब कुछ आपको सीखना होगा. तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.